अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जी मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश भी हो रही है साथ में, और साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मौसम बहुत बेहतर हुआ है। आज ही मैं एक जगह पे मौजूद हूँ और इस जगह का नाम सैफन है। और सैफन जो है ये इंडिया की तरफ से दरिया निकल रहा है पाकिस्तान में, और इस पाकिस्तान में जो दरिया है इसको दरिया रावी भी कहते हैं। और यहाँ पे जी एक ख़ास चीज़ है इस जगह की कि इस तरफ भी गाँव है और इसके दूसरे पार भी गाँव है। तो ये इस गांव में से उस गांव तक जाने का सफ़र लोग कैसे तय करते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और यहाँ पे जी आए आपको दिखाती हूँ कि लोग सफ़र कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ की एक और अच्छी बात है कि ये पिकनिक पॉइंट है और यहाँ पर लोग आते हैं जैसे कि फ़िशिंग भी करते हैं यहाँ आके लोग, और यहाँ पर वो भी लगाते हैं कैंपिंग भी करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर आए हुए, उन्होंने कैंपिंग भी की हुई है और यहाँ पर फ़िशिंग का, खैर अभी सीज़न नहीं है तो इस वजह से लोग फ़िशिंग नहीं कर रहे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोग पानी की स्पीड भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना तेज़ पानी यहाँ पे इस टाइम आया हुआ है, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो बारिशों की वजह से आपको पता है पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे आप मिट्टी देख रहे हैं पानी से जो है गिर रही है, तो इतना पास भी नहीं खैर जाना चाहिए, मैं भी नहीं जाऊँगी क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है एक। और दूसरी बात आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में से एक दिन अपने लिए ज़रूर निकाला करें। हम मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि ज़िंदगी हमने अपनी बहुत मसरूफ़ कर रखी है, जिस वजह से हम लोग बाहर निकलना बिल्कुल भूल चुके हैं जी। तो यहाँ पर एक खूबसूरत कश्ती आपको नज़र आ रही होगी जो मुसाफरों को इस तरफ से उस पार लेके जा रही है, और यहाँ पर खड़े होकर अली साहब भी देख रहे हैं ये कश्ती को, जिसको हम पंजाबी में ये बहुत बड़ा है, असल में इसको बेड़ा भी कहते हैं पंजाबी में, और हम लोग कश्ती भी इसको कहते हैं। तो ये इसी तरह से ये देखें जी, इस पार कुछ लोग आ गए, और यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाऊंगी, जिस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें, रिक्शा हो गया, गाड़ी हो गई, वो सब इसमें रख के बाइक्स वगैरह ये उस पार लेके जाएंगे। यहाँ पे जी मुझे नज़र आ गई भेड़ें, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और इनके साथ मैंने एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। इनके बच्चे भी थे साथ में और ये बड़ी भेड़े में थी, और मैं इनको देख रही थी, ये मुझे देख रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनके साथ एंजॉय करते हुए। तो सारी तरफ से घूम फिर के हम जब वापस जा रहे थे, तो इस सड़क पे जाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और सामने बिल्कुल जी आप ये खूबसूरत सी भैंसें देख सकते हैं जो कि एक झुंड बना के जा रही हैं। और उम्मीद करते हैं जी हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।